पर रूही नहा रही है बर्थडे के लिए बाल शैम्पू करके। रूही अब होगी रेडी। रूही और यहाँ पे देखिए रूही आलती लगा रही है और आलती लगाने नहीं दे रही है उसको। ये क्या लगा दिए है बर्थडे के दिन हमारे यहाँ पे पहली बार जब 1 साल हो जाएगी आलती और चंदन और जो होता है आरती वगैरह 1 साल के बाद ही होता है। तो आज 1 साल रूही को फाइनली हो गया है। यहाँ पे वो आलती लगा रही है, आलती नहीं लगाने दे रही है। और इतना छोटू छोटू पैर है ना, देख के बड़ा वो क्यूट क्यूट सा लगता है ना खुद को ही। और यहाँ पे मेरी दीदी आरती लगा रही है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसको भी देख रही हूँ कहाँ कहाँ चली जाती है। अरे भगवान, देखिए कैसे हो गया उसका आरती। तो ये सोने के टाइम पे लगाना चाहिए था लेकिन ये जस्ट ना के आई ना, तो इसीलिए अभी लगा रहे हैं। अभी अभी वो पायल पहनेगी, उसका नया पायल आया हुआ है, उसके मामी ने दी है पायल। तो पायल पहन के अभी फिर नया ड्रेस पहन के जाएगी मंदिर। ही अब नया ड्रेस पहन रही है मंदिर जाने के लिए। मुझे क्या पहन लिए ये पोपा तो ड्रेस रू बेसी छोटो देखा जाऊ। ये जो ड्रेस है उसके मामी ने दिए अच्छी मुझे ना ना अच्छी अच्छी ड्रेस जो कर रही है रूही कंगी। उसके बाद लगाएगी ये हेड क्लिप। इसको नींद आ गई ना। रेडी हो गई है। कितना सुंदर सुंदर तले, कितना सुंदर सुंदर देखा जाओ जी। वो क्लिप को बार बार निकाल रही है, उसको कुछ अजीब सा लग रहा है ना इसीलिए। गाइस रूही गई है मंदिर और मैं हूँ घर पे क्योंकि ये गए हैं मतलब उनको छोड़ के मंदिर। तो वो हम लोग मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि जैसे कि मैं गणेश पूजा की जो विसर्जन में बताई थी कि मतलब घर पे कोई मर गए हैं तो आज अभी तक हुआ नहीं है। 13 दिन हमारे यहाँ पे 13 दिन होता है ना, तो 13 दिन को पूजा होगा तो 13 दिन हुआ ही नहीं है। अगले सोमवार से पूजा करेंगे। तो मतलब कुछ घर में पूजा विधि कुछ भी नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए बहुत मतलब मंदिर भी नहीं जा पाएंगे। और उसके लिए कुछ हमारे घर से कुछ भी चावल वगैरह कुछ नहीं लेके जाएंगे मंदिर। तो आज पूरा मैं आज अभी नहा के आई, थोड़ा सा बाल को धो ली थी, थोड़ा मतलब जाऊंगी बोल के। बोला जाता है कि बाल धो मतलब शैम्पू नहीं किया जाता है इस टाइम पे, तो मतलब हम यहाँ पे। लेकिन मेरा ना घाव पे जो है मेरे सर पे ना, सॉरी सर पे ना बहुत वो है मतलब डैंड्रफ होके ना वो पानी टाइप का निकलता है। हर 2 दिन में मुझे शैम्पू करना ही ज़रूरी है, नहीं तो इतना इचिंग और इतना इचिंग होगा कि रात भर सो नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए मुझे डॉक्टर ने बोला है कि हर 2 दिन को आप शैम्पू करोगे ही करोगे और मेडिसिन भी खाती हूँ अभी तक। आप अगले साल का वीडियो देखेंगे मेरा कुछ कुछ वीडियो, उसमें भी मैं बताया था कि मेरा सर पे ना कुछ हुआ है घाव टाइप का, तो घाव ही हो जाता है सर पे। तो इसीलिए ये 1 महीना के लिए ट्रीटमेंट मेरा चल रही है अभी तक भी। तो इसीलिए मुझे तो मैं सासू माँ से पूछ के ये डेली शैम्पू करती हूँ क्योंकि दूर का रिलेटिव है और हम छुए भी नहीं है, तो बोले कि ठीक है।
तो प्रॉब्लम होता है तो करना पड़ेगा ना, तो क्या करे, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी मैं ना अभी तो ना आके जस्ट आई हूँ और वही तो चली गए मंदिर। अभी मेरी मेरी क्या है कि भाभी पापा सब आएंगे, फिर हम होटल जाएंगे, तो उसके बाद आपसे मैं बात करूँगी। और रूही मंदिर से आ गई और रूही की देखिए लग रही है काम पे। यहाँ पे थाली में बर्फ ली थी, बर्फ भी गल गया क्योंकि मेरे हाथ में ना वो जो चावल गरम भात को पसा रही थी तो उसका पानी गिर गया। और उसमें इसके लिए मैं ना बर्फ के पानी में ना आइस वो जो डाल के रखी थी, तो यहाँ पे रूही पानी देख के ना पानी के साथ बहुत खेलती है। उसको पता नहीं पानी पानी को पकड़ के वो नीचे से ऐसे ही फैलाएगी, उसका काम यही है कि वो पानी देख के ना फैलाएगी। और चावल ना उसके सर पर डाला हुआ था, उस चावल देख के ना मुँह में लगा दी। ऐसे ये तंग करती रहती है दिन भर। और आज का बर्थडे है तो इसीलिए मैं कुछ नहीं बनाया हूँ, सुबह ही कुछ खा लेंगे और शाम को हमारा डिनर होगा। तो शाम पे ही आपसे डायरेक्ट मिलती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मेरा हाथ बहुत जलता है इसीलिए। हाय फ्रेंड्स, सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब पूरा शाम हो गया है और सब रेडी होके बैठे हुए हैं। और ये लड़की को देखिए, ये बिल्कुल बैठी नहीं है रेडी होके, पीछे मम्मी है, पापा है, और ये कौन आया है? तो हो गया, हम रेडी होके अभी निकलेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हम होटल पे आ गए हैं, मतलब डायरेक्ट रूम पे। और क्या है कि हमारा बच्चा था तो उसको पकड़ के मोबाइल पे शूट करना दिक्कत हो गया। तो मैं आपको पूरा रूम दिखा देती हूँ कैसा सजाया हुआ है, चलते हैं मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से पूरा बैलून लगा हुआ है, पूरा रूम पे ऐसे कुछ बैलून्स लगा हुआ है। और रूही का हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे जो हॉल हम बुक किए थे वही है, ये वाला हॉल, ये वाला हॉल है, पूरा रेडी है। अब चलते हैं क्या करेंगे। ये देखिए हैप्पी बर्थडे। और कल हमारा बेटा का भी बर्थडे है, उसका भी कुछ ऐसे करेंगे सजावट, लेकिन घर पे करेंगे। ये ऊपर भी सजाया हुआ है। और अभी तक वो लोग नहीं आए, हम पहले आ गए थे क्योंकि देखिए भैया और भाभी तो आ गए, सब आ गए हैं, लेकिन जो आना चाहिए अभी तक आई नहीं है क्योंकि वो कार, मतलब हमारा कार से आ रहे हैं, हम ओला बुक से दोनों आए, भाई बाइक से आया। तो इतना हो गया, हम वेट कर रहे हैं, अभी शायद आ जाएंगे कुछ मिनटों में। तो ये देखिए इसका काम शुरू हो गया है, देख लिए ना, काम शुरू हो गया। चलते आने से मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या करते हैं। और ना यहाँ पे ये जो केक लाए हैं सब तो आ गए हैं, तो ये केक ना मैं निकाल रही हूँ क्योंकि रेडी कर लेना ही अच्छा है। तो अभी रेडी कर लेते हैं, रात तो हो गया है करीब 8, तो अभी रेडी करके हम रूही का केक कटिंग करते हैं। ये मुझे बोले कि मैं दिखाऊं तो मैं खोलूँगा, तो इसलिए मैं बोले ठीक है आप ही खोले, तो ये खोल रहे हैं। चलिए फाइनली ये खोल गया, रूही का ये बार्बी केक है। बार्बी, यहाँ पे ना क्या होता है कि रूही को ना केक कटिंग देनी, खड़े होके केक कटिंग दीदी करवा रही है तो नहीं हो पाता है। तो ये देखिए उसको फिर बैठाना, मतलब बिठाना है, तो इसलिए वो बात चल रही है कि केक बैठ के ही काटेंगे, नहीं तो ये कुछ इधर उधर का फेंक देगी उसको टेबल के ऊपर बिठा के। तो यहाँ पे मेरी दीदी फाइनली बैठ गई।
ऑर्डर करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका मेन्यू। मेन्यू आपको अच्छा लगेगा शायद, थोड़ा सा ज़्यादा ही रेट है। मैं दिखाती हूँ आपको मेन्यू, ये है इनका मेन्यू। मेन्यू में फर्स्ट आपको पापड़ आ जाएगा, दही, फिर इंडियन सूप, ओरिएंटल सूप, वेस्टर्न सूप, इंडियन वेजिटेरियन टेम्पटेशन, इंडियन नॉन वेजिटेरियन, और ऐसा करके कितना होगा। ये सूप सबके लिए आया है, ये है मम्मी का, ये वाला कोरिएंडर का अच्छा टेस्ट है, ये अभी हमारा खाना पीना हो गया और अभी हम निकल रहे हैं, यहाँ पे थे और मेरा मास्क खो गया, तो अभी मैं जा रही हूँ और जाके अब क्या बताऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं फिर, मैं रख रही हूँ, बाय बाय, थैंक यू।